गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जो बाइल डक्ट स्टोन्स हैं या पित्त की नली में जो स्टोन्स हैं, देर ए कॉमन प्रॉब्लम। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो तो कॉमनली होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ कभी बाइल डक्ट या पित्त की नली में भी स्टोन डेवलप हो जाते हैं। आज मैं बात करूंगा पित्त की नली या बाइल डक्ट जो स्टोन है उसके सिम्टम्स के बारे में, कि वो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आए तो इस चीज का सस्पिशन पैदा करते हैं कि बाइल डक्ट में स्टोन डेवलप हो गया है। तो नाउ अगर हम बाइल डक्ट स्टोन्स की बात करें, उसके सिम्टम्स की बात करें, तो द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम इज द पेन। जो दर्द है वुड बी अनबेरेबल पेन। सेकंड वन इज द जॉन्डिस या पीलिया। थर्ड वन इज द फीवर या बुखार, और इनके साथ ही कभी आ जाती है पूरे शरीर में खुजली। एंड नेक्स्ट वन इज द पेनकाइटिस। ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जो बाइल डक्ट स्टोन है उसके साथ में आती हैं। सबसे पहले बाइल डक्ट स्टोन के पेन को देखिए। जो बाइल डक्ट में स्टोन है अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता है एंड पड़ा हुआ है बाइल डक्ट में। लेकिन अगर बाइल डक्ट का जो स्टोन है ये बाइल डक्ट को ब्लॉक करता है, तो जैसे ही ब्लॉक करता है वैसे ही पूरी प्रॉब्लम खड़ी होती है, दर्द चालू होता है। तो बाइल डक्ट ब्लॉक हुई स्टोन के चलते, तो दर्द बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। ये जो दर्द है ये अचानक आएगा, आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल अचानक ही आ जाएगा। ये जो दर्द है वेव्स में आ सकता है, कि आया गया इस तरह का दर्द हो सकता है, या ये कंटिन्यूअस सीवियर अनबेरेबल पेन हो सकता है जो घंटों चल सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है, हॉस्पिटल भेज सकता है, इंजेक्शन मांग सकता है। ये जो पेन आता है इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, ये दिन में आ सकता है, रात में आ सकता है। जैसे गॉलब्लैडर का जो स्टोन है उसके पेन अक्सर करके रात में आते हैं, आधी रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में। लेकिन जो बाइल डक्ट का स्टोन का पेन है उसकी ऐसी कोई पीरियडिसिटी नहीं है कि दिन में भी आएगा या रात में आएगा, कभी भी आ सकता है। इसका कोई फूड पेन रिलेशन नहीं है कि खाना खाने के पहले आएगा या खाना खाने के बाद आएगा, बट अनबेरेबल पेन होगा। जो पेन है वो इस एरिया में होगा जहां मेरा हाथ रखा हुआ है। ये दोनों रिब्स की तरफ ऐसा लगेगा कि रिब्स में जा रहा है, ये पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और अनबेरेबल पेन होगा। इसके साथ में उल्टियां होंगी। इन बहुत पेशेंट्स का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जब उल्टियां हो जाती हैं तो पेन में कुछ आराम आ जाता है, बट इट्स नॉट अ डिक्टम या ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है। द नेक्स्ट सिम्टम इज जॉन्डिस। जो पीलिया डेवलप हो जाता है, ये पीलिया तभी डेवलप होगा जब पित्त की नली या बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई बिकॉज ऑफ द स्टोन। स्टोन जैसे ही ब्लॉक करेगा तो आंख में पीलापन आ जाएगा। ये जो ब्लॉक है ये 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, स्टोन फंस गया एंड ब्लॉक बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो पित्त की नली पूरी तरह से बंद हो गई, पित्त आपकी आंत में आ नहीं पा रहा है, बाइल आंत में आ नहीं पा रहा है, तो पीलिया हो जाएगा। ये जो ब्लॉक है ये पार्शियल हो सकता है, या आधा एरिया जो ना ब्लॉक है फिर भी थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, आधा भी ब्लॉक है तो भी जॉन्डिस डेवलप हो जाएगी। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज के जो स्टोन है वो ब्लॉक कर रहा है, खोल रहा है, ब्लॉक कर रहा है, खोल रहा है, ये बाल वाल्व मैकेनिज्म कहलाता है कि स्टोन ऊपर नीचे हो रहा है तो कभी ब्लॉक कर देता है कभी खोल देता है। ऐसी की स्थिति होगी तो भी जॉन्डिस डेवलप हो जाएगी। जो जॉन्डिस है वो माइल्ड हो सकती है, लेकिन अगर पित्त की नली या बाइल डक्ट कंप्लीटली ब्लॉक हो गई है तो जो जॉन्डिस है वो सीवियर होगी या ज्यादा हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर जॉन्डिस हुई उसके साथ यहां पे बहुत तेज दर्द आ रहा है, उसके साथ ठंडी देके बुखार आ रहा है, इसके साथ पूरे शरीर में खुजली हो रही है, और जो लैटिन है उसका रंग चेंज हो गया है, व्हाइटिश हो गई है, अगर ये कॉन्ग्लोमरेशन आप सिम्टम्स तैयार हो गया है तो आपको सोचने की जरूरत है कि ये बाइल डक्ट में स्टोन तो नहीं डेवलप हो गया है। ये जो जॉन्डिस है अगर आप ब्लड टेस्ट कराएं तो रेडिली जो इसमें क्लियर हो जाएगी। अगर हम बाकी टेस्ट को देखें तो इसमें बेसिकली जो SGPT एंड SGOT है वो लगभग नॉर्मल रहते हैं या नियरली नॉर्मल होते हैं, बट जो अल्कलाइन फास्फेटेज है वो काफी ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। जो वायरल मार्कर्स होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वो नेगेटिव होंगे। एक अल्ट्रासाउंड कराइए, इट्स रेडी इन्वेस्टिगेशन, जो आइडेंटिफाई कर देता है कि बाइल डक्ट डायलेटेड है, जो लिवर के अंदर के इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स हैं वो डायलेटेड है, स्टोन आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बाइल डक्ट में स्टोन दिखाई दे रहा है। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सिंगल स्टोन हो, बट पॉसिबल है कि मल्टीपल स्टोन हो। नंबर 3 पर आता है फीवर। जो जब भी बाइल डक्ट ब्लॉक होगी
चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो कंप्लीट हो, तो फीवर इज सिम्टम जो आ जाएगा। वो फीवर आता इसलिए है कि जैसे ही पित्त की नली ब्लॉक होती है, बाइल डक्ट ब्लॉक होती है, तो जो बाइल है उसमें पस पड़ने लगती है। जैसे ही पस पड़ेगी और फीवर आएगा, बुखार आएगा। ये जो पस पड़ जाती है, जो इंफेक्शन डेवलप हो जाता है, इसे कहते हैं कोलेंजाइटिस। जो कोलेंजाइटिस होती है वास्तव में इट्स सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ये जो कॉम्प्लिकेशन है कुछ तरह का है, कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तैयार कर सकता है अगर इसको ठीक से ट्रीट नहीं किया गया। तो अगर हम फीवर की बात करें, जो बाइल डक्ट में स्टोन और जो पस पड़ने के चलते आता है या कोलेंजाइटिस के चलते आता है, ये बहुत तेज बुखार आएगा, 103, 104, 105 हाई ग्रेड फीवर आएगा। ये चिल्स एंड राइगर्स के साथ आएगा, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी जैसी मलेरिया में लगती है। इन इसके साथ कभी कभी बहुत सीवियर पेन भी हो जाता है, जॉन्डिस भी डेवलप हो जाती है। तो अगर पेन भी आ रहा है, जॉन्डिस भी आ रही है और फीवर आ रहा है तेज, तो इस टीम का जो कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं सरकाट्स ट्राइड। जो सरकाट्स ट्राइड है इसमें प्रॉब्लम है, ये सीवियर है, ये इमरजेंसी है, इसमें बीपी कम हो सकता है, ब्रेन पे असर आएगा, तो कंफ्यूजनल स्टेट पैदा होगी। अगर हम इन्वेस्टिगेट कराएं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम रूटीन काउंट्स कराएं तो टोटल जो ल्यूकोसाइट काउंट है या व्हाइट ब्लड सेल के जो काउंट्स हैं वो काफी ऊपर की तरफ चले जाएंगे। पता लगा टीएलसी आपकी 15,000, 20,000, 25,000 की तरफ चली गई है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए तो जॉन्डिस एपियर हो जाती है, अल्कलाइन फास्फेटेज ऊपर चला जाता है। अगर आप किडनी फंक्शन कराएं तो कभी कभी क्रिएटिनिन भी ऊपर की तरफ चला जाता है बिकॉज ऑफ कोलेंजाइटिस। एक अल्ट्रासाउंड कराइए, उसे क्लियर हो जाएगा कि बाइल डक्ट में स्टोन है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो दो और टेस्ट हैं, दैट इज वन इज द एमआरसीपी और मैग्नेटिक रेजोनेंट कोलेंजियोपैनक्रियाटिकोग्राफी, उसे क्लियर हो जाएगा कि सीबीडी में स्टोन है कि नहीं। कभी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से भी हमें बाइल डक्ट में स्टोन को क्लियर करने की जरूरत पड़ती है। ये इमरजेंसी है, एंटीबायोटिक चाहिए एंड बाइल डक्ट के स्टोन को रिमूव कराने की जरूरत है। द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज द पेनक्रीटाइटिस। जो पेनक्रीटाइटिस इज ए डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बाइल डक्ट स्टोन। ये तभी डेवलप होता है कि अगर बाइल डक्ट में जो स्टोन है वो धीरे धीरे बाइल डक्ट के टर्मिनल एंड पर आया और वहां जाके अटक गया। वहां जहां अटकता है तो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके आंत के अंदर खुलती हैं, जिसे एम्पुला कहते हैं। अगर ये स्टोन इस एरिया में जाके ब्लॉक करेगा तो वास्तव में पेनक्रीटाइटिस डेवलप हो जाएगी। ये इसलिए कि अगर स्टोन यहां फंसा तो पित्त की नली का रास्ता तो ब्लॉक हुआ ही हुआ, साथ में पेनक्रियास की जो नली है उसका रास्ता भी ब्लॉक हो गया, और वो ब्लॉक हुआ तो पेनक्रियास के जो जूसेस हैं वो इंटेस्टिन में नहीं आ पाते, तो वो धीरे धीरे ब्लड में फैलते हैं। और इसके अलावा बहुत सीवियर पेन होता है, इन इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। जहां तक पेनक्रीटाइटिस का सवाल है, ये यहां होगा जहां मेरा हाथ रखा है, इसका मतलब एपिगेस्टियम में अनबियरेबल पेन होगा। ये पेन पीछे की तरफ जाएगा, इवन मूव आप करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, सीढ़ी उतरेंगे, पेट हिलेगा तो भी दर्द तेज होगा, और बैक रेडिएशन जैसा मैंने कहा पीछे की तरफ जाएगा। इस पेन के साथ बहुत ज्यादा वॉमिटिंग या इंटेंस वॉमिटिंग होगी, इतनी कि आपको पानी की कमी हो सकती है और उसके चलते आपका ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ आ सकता है। इसके अलावा पेट ऐसा फूल जाएगा, ब्लोट हो जाएगा। पेनक्रीटाइटिस इमरजेंसी सिचुएशंस में से है, बट बहुत सिंपल टेस्ट इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ब्लड में अमाइलेज का टेस्ट कराइए, पता लग जाएगा। एक लाइपेज का टेस्ट कराइए, पता लग जाएगा। एक सामान्य अल्ट्रासाउंड जो है वो पेनक्रीटाइटिस को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन कभी स्टेजिंग के लिए हमें सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन यह बात आपको समझने की है कि पेनक्रीटाइटिस इमरजेंसी है, ये वास्तव में हॉस्पिटलाइजेशन मांगती है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो पेनक्रीटाइटिस है वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बदल सकती है। अगर आप ध्यान से देखें कि जो बाइल डक्ट के स्टोन्स हैं बहुत कम ऐसे होते हैं जो साइलेंट पड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टोन्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। अगर हम सिम्टम्स को ध्यान से देखें, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नंबर वन इज द पेन जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नंबर टू इज द जॉन्डिस या पीलिया जो प्रॉब्लम करता है, नंबर थ्री इज द फीवर जो कोलेंजाइटिस के चलते आती है, नंबर चार इज द पेनक्रीटाइटिस जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है। इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है कि पित्त की नली या बाइल डक्ट में जो स्टोन है उसे पहचाना जाए एंड उसको निकाल के अलग किया जाए, तभी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर बाइल डक्ट में जो स्टोन्स हैं उनके सिम्टम्स को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।